राम राम दोस्तों, जय देव नारायण भगवान की, चार भुजनाथ की, सभी फैनों को, सभी सिंगरों को राम राम। बात ऐसी है दोस्तों, 29 तारीख की बात है, जो प्रोग्राम था मेरा, मतलब पाली और इधर साइड में भीलवाड़ा में लक्ष्मण जी का, मेरा और सिंगर एक और था उसमें। तो कोई लोग तो ये उड़ा रहे हैं, कोई क्या उड़ा रहा, कोई क्या उड़ा रहा, कोई आदमी जबरदस्ती, कोई मेरे नाम से बात कर रहा, रिकॉर्डिंग में डाल रहा, भाई लक्ष्मण सिंह ने ये किया वह किया। लेकिन जो भी स्पष्ट है, मैं देवनारायण भगवान को साक्षी मान के सच सच बात बताऊंगा। उधर जाता हूँ मैं, गोपाल म्यूजिक में भी काम करता हूँ, इधर जाता हूँ, हर तरफ काम करता हूँ मैं किसी सिंगर की बुरी नहीं सोचूंगा, ये मैं कसम खाए कहता हूँ। वहाँ बढ़िया प्रोग्राम चल रहा था, बढ़िया बातचीत चल रही थी सबसे। वहाँ स्टेज था ऊपर, उस स्टेज के ऊपर नीचे जो डांस नाच रही थी उसमें गा रहा था। मुझे कुछ भी पता नहीं है किसकी 400 BC है और किसने कैसे करंट आया, किस गलती से आया, ये मुझे पता नहीं। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। जो इंसान गलती करेगा स्वयं वो खुद भुगतेगा। ऑटोमेटिक करंट मशीन से आया या नीचे गिरा था उससे आया या किसने लगाया, मुझे कुछ पता नहीं है। कोई भी अफवाह उड़ाए तो उड़ाना चाहता है, किसी सिंगर से मेरी दुश्मनी नहीं है। हाँ, ये मेरे को जरूर मालूम है, करंट वहाँ 3 बार आया था। जब चौथी बार करंट आया तो इतना भयंकर आया था, उस माइक ने मेरे हाथ से छूटा नहीं, माइक वो तो पता नहीं किसने लैंड बंद किए जब वो माइक मेरे हाथ से छूटा। तो मैं इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करना चाहता, मेरे लिए सब समान है। और ये जो उड़ा रहे हैं ये सब गलत बात है, मुझे कुछ पता नहीं है पीछे से करंट कैसे आया कैसे नहीं आया। और जो इंसान गलती करते हैं उनको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जो मेरी समाज है वो मेरी समाज है, और उनकी कोई और की समाज है, और की समाज है। मैं मेरी समाज के साथ हूँ, मैं मेरी समाज को गलत आफत में नहीं डालना चाहता। मुझे कुछ पता नहीं पीछे से करंट कैसे आया कैसे नहीं आया, किसने लगवाया। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, ना तो मैं लक्ष्मण सिंह का ले रहा, ना राज राड़ ले रहा, ना किसी और सिंह का ले रहा, मुझे किसी से मतलब नहीं। मुझे नहीं पता है कैसे पीछे से करंट आया, मेरा मुंह आगे था और वो और था, आपने वीडियो में देख लिया होगा, ये बात है। और सब फैनों को निवेदन है, बढ़िया सॉन्ग सुने हमारे साथ में मुकेश जी घांस, बढ़िया युवा पीढ़ी के नए नेता, ऐसी बात है। ये स्टूडियो माँ भारती जिसमें मैंने पहली रिकॉर्डिंग दी थी, हमारे गुरुजी प्रहलाद जी थे उस टाइम की, 2017 की बात है। तो ऐसी बात है दोस्तों, फालतू तो अफवाह कोई नहीं फैलाए, जो है वो सब आपके सामने, आपने माइक में देख रहे हो, मेरा मुंह आगे है, मेरे को पता नहीं पीछे से क्या हुआ कैसे आया, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा। दूसरी बात, सब फैन गाना सुने बड़े आराम से, धन्यवाद, राम राम। हमारे साथ है गोपाल म्यूजिक, राम राम जी। उनको भी राम राम, काड़ो जी को राम राम। भाई साहब, ये हमारे प्रहलाद जी का बच्चे हैं जी, नमस्कार। स्टूडियो चलाते हैं, उनके बाद में ये चलाते हैं, सबको राम राम। इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है, सब आराम से सॉन्ग सुने। दूसरी बात, वो टाइम वो वक़्त ज़्यादा दूर नहीं है, जो ये मतलब 5-6 महीने की बात है, उसके बाद में मेरा सिस्टम से मेरा काम कर लूँगा मैं। आपको तो मतलब समझ गया, मेरे 3 साल पूरे हो जाएंगे। राम राम साहब।